हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ के जिला कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी का चुनाव आदर्श विद्या मंदिर सिरोही में संपन्न हुआ। प्रदेश संगठन मंत्री राजवीर सिंह के मार्गदर्शन के प्रांत अध्यक्ष दलाराम बट्टे सर की अध्यक्षता में व प्रांत संगठन मंत्री व चुनाव प्रभारी हेमराज जी की उपस्थिति में चुनाव हुए। भारतीय किसान संघ सिरोही के अध्यक्ष के लिए केसाराम पुरोहित ने मावाराम चौधरी सोरडा का प्रस्ताव रखा, जो सभी बैठक में सभी किसान संघ के कार्यकर्ता व किसानों ने बैठक में हाथ खड़ा करके समर्थन किया गया। वहीं जिला मंत्री के लिए सुजान सिंह वड़वज ने नाथूराम लोहार अनादरा का प्रस्ताव रखा, तब सभी किसानों ने उत्साह के साथ समर्थन किया। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री राजवीर सिंह ने भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता को किसानों साथ लेकर सिरोही जिले में संगठन को मजबूत करने की बात की। वहीं प्रांत संगठन मंत्री हेमराज ने कहा, किसी भी किसान की समस्या हो तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता को साथ जाकर समाधान करवाए। वहीं सिरोही जिले की नई टीम को शुभकामनाएं व संगठन को मजबूत करने की बात की, वह भी एकजुट होकर परिवार की तरह काम करें। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव होने पर प्रदेश मंत्री हीरालाल चौधरी व सिरोही जिला प्रभारी हुहास मनोहर ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रांत राजस्व प्रमुख केसाराम पुरोहित, सुजान सिंह वड़वज, जब्बर सिंह केर, जवाना राम माली, रेवतर अध्यक्ष गणपत सिंह देवड़ा, मोहनलाल पुरोहित, मोना राम सोमा राम, केरा राम पुरोहित, दाना राम चौधरी, मंडल अध्यक्ष दिनेश चौधरी, धना राम लोहार, जीवा राम घाची, बाबू राम कोली, मूली बाई पुरोहित, बद्री बाई गरासिया, हजारी राम सोलंकी, रावत सिंह भाटी, भैरा राम शंकर, देवासी जब्बर सिंह, सिलोइया राम सिंह, सिंदल जेठा राम माली, मुकेश रावल, बाबू सिंह परिहार, मोनट आबू अध्यक्ष राम सिंह परमार, पिंडवाड़ा तहसील अध्यक्ष नरपत सिंह राव, सवा राम वना राम चौधरी, स्वरूपगंज अध्यक्ष देवाराम मेघबाल सहित जिले पर के तहसील अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।